लीजिए इस वक्त झुंझुनू बनाम खेरतल तिजारा के बीच 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता 2024 टॉस का सिक्का। टॉस झुंझुनू ने जीता, चॉइस रेड। शुरू होता हुआ मैच बताना चाहूँगा कि खेरतल की कप्तान ने टॉस जीता था और चॉइस रेड रखा और ज़बरदस्त डिफेंस की कोशिश। यहाँ देखते हैं रेडर सफल हैं डबल पॉइंट से। अच्छी शुरुआत इस समय खेरतल तिजारा की। अब यहाँ देखते हैं पांच नंबर में रिया। रिया का रथ पश्चिम में आया, लाल हुआ झीलों का पानी, धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांस सुहाने, धक्का देकर बाहर धकेला। अच्छी शुरुआत की ओर इस वक्त खेरतल तिजारा, तीसरा पॉइंट 3-0 से आगे। रिया पहला ही रेड और दबाव में दिखाई दिए। अब पांच नंबर से ही खेरतल तिजारा, चार के डिफेंस में कॉर्नर पे गुंजन, जबकि भूमिका भी बाहर जा चुकी है। सात नंबर इस समय झुंझुनू को पहले पॉइंट की तलाश। सात के सोलह डिफेंस के साथ खेरतल तिजारा एक अच्छी टीम मानी जा रही है तिजारा की। 17 और 19 वर्षीय के बाद यहाँ नजरें हटी, पूरा फायदा उठाया खेरतल तिजारा। पूरी चाबी खस्ता हुआ इस समय मैच के ऊपर। सुपर टेकल में झुंझुनू, संकट के बादल, टच पॉइंट का प्रयास लगाता। यहाँ आसानी से टच पॉइंट मिलने वाला है, दो पॉइंट। अब अंतिम वाले का ऑल आउट का खतरा। सीधे शिकार हो गए इसके साथ ही ऑल आउट झुंझुनू। खेरतल तिजारा के सामने ऑल आउट। झुंझुनू ने पहला टाइम आउट लिया है। अभिषेक जी पूनिया और उनके साथ मैम लगातार कोचिंग देते हुए टीम को, क्योंकि हालत नाजुक है। पहले पॉइंट की तलाश, 9-0 से पीछे झुंझुनू इस वक्त खेरतल तिजारा के सामने। एक बार फिर खेरतल तिजारा बोनस की कोशिश। अच्छा प्रयास, झुंझुनू बेहद दबाव में है ऑल आउट के साथ। अब यहाँ पहला पॉइंट, शानदार डिफेंस मिलती हुई शुरुआत। यहाँ पहला पॉइंट, अब रिया के ऊपर ही निर्भर झुंझुनू कहीं ना कहीं। छह के डिफेंस से देखते हैं पॉइंट कर पाते कि नहीं। डबल थाई होल्ड, बेहतरीन नियंत्रण और शानदार टेकल की बदौलत ढाई अंकों में पहुंचता हुआ इस समय खेरतल तिजारा 10, जबकि झुंझुनू 1। एक बार फिर लगातार प्रयासरत खेरतल तिजारा, बाया हाथ के हल्का सा चोट, मरम पट्टी बंधी हुई। 12 नंबर में अब परिवर्तन के तौर पे चली है, देखते हैं कितना फायदा यहाँ मिलता है उनको। 10-1 का स्कोर झुंझुनू, 9 पॉइंट पीछे, तो झुंझुनू के लिए निराशाजनक है। यहाँ लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, लेकिन डिफेंस की जितनी तारीफ करें उतना कम है। लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 2-3 डिफेंडर ने मिलकर जैसे अटैक किया, शानदार कैच वहाँ देखने को मिला। एक बार फिर 11 नंबर पहचान संख्या में, 5 का डिफेंस। सेफी वापस 8 नंबर में इस वक्त है। और बैक होल्ड देखिए कितना जबरदस्त है। 11 नंबर की जितनी तारीफ की उतनी कम, इकलौती ने ही शिकंजे में खस लिया। लगातार मजबूत होता हुआ खेल चलती जा रहा, जबकि फर्स्ट हाफ का खेल झुंझुनू की मुश्किलें बढ़ती हुई। 4 का डिफेंस और यहां नियंत्रण खोया, मगर लॉबी में गए तोहफे में पॉइंट मिलता हुआ झुंझुनू को, उपहार में ही सही दूसरा अंक। विदाउट टच यदि
आप लॉबी में जाते हैं तो रेड आउट माना जाता है। छह नंबर में भूमिका, कितनी भूमिका अदा करते हैं इस मैच में, ये पहला ही रेड है इनका और आगे का खेल तय करेगा। पीएम श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय राय सिंह नगर कंपल्सरी अनूपगढ़ से मैं गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। इस वक्त छह नंबर में खेर तलती जा रहा दबाव बना तबाह झुंझुनू पे, 10 पॉइंट की कोशिश बचने के प्रयास यहां, लेकिन अच्छा डिफेंस यहां देखने को मिलता हुआ 7 नंबर से शिकंजा कसता झुंझुनू, 3 पे पहुंचता झुंझुनू जबकि 12 पे खैर तलती जा रहा और यहां 13वां पॉइंट इस समय खैर तलती जा रहा की तालीम में। 13-3 का स्कोर, 10 अंक की बढ़त, अच्छी खासी एक बार ऑल आउट कर चुका है झुंझुनू को। शुरुआती समय में ही और यहां 10 पॉइंट फिर से तिजारा की तालीम में, गुंजन चली है समय, गुंजन की गूंज, देखते हैं कहां तक सुनाई देगी। प्रयासरत है और यहां बड़ी रेड हो सकती है, लेकिन बैक होल्ड की जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्या डिफेंडर भी बाहर है, देखना दिलचस्प होगा। रेड आउट और आज अलग के आक्रामक अंदाज से आगे बढ़ी थी, लग रहा था कि शायद वो पहुंच जाएंगी, मगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है खैर तलती जा रहा के डिफेंस की। 15 पे पहुंचता हुआ धक्का दिया है, बैक होल्ड की कोशिश मगर नाकामयाब, 2 पॉइंट फिर से तिजारा की झोली में। 12 नंबर जर्सी में इस वक्त झुंझुनू दबाव में है, बड़ी रेड हो सकती है, सिंगल पॉइंट है, हालांकि आसपास एक और डिफेंडर थी मगर पॉइंट गंवाने का खौफ, इसलिए लालच में नहीं आए, 2 के डिफेंस में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पकड़ मजबूत है, सुपर टेकल इसमें देखेगा झुंझुनू का, सुपर टेकल से 2 पॉइंट झुंझुनू की झोले में, रिया कमबैक, रिया से काफी अपेक्षा है इस वक्त, धक्का दिया है मगर साइड लाइन से बाहर, ये अच्छी तकनीक इस समय, चाहे बैक होल्ड हो पुश हो बेहतरीन कवर करता हुआ इस समय, डिफेंस मजबूत ताकत और रडर ने भी काफी प्रभावित किया अब तक इस खेल में। पकड़ फिर से अच्छी है, ऑल आउट यहाँ झुंझुनू दूसरी बार, 4 पॉइंट जाते हुए तिजारा की झोली में। शीला जी इस समय मुख्य अंपायर के रूप में, 2 बार ऑल आउट होने के साथ अब बेहद दबाव में झुंझुनू, फर्स्ट हाफ का खेल, 6 नंबर में भूमिका, ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाई लेकिन इस रेड से जरूर 1 पॉइंट अर्जित किया है, ले जी करारा जवाब दिया है रेडर को धक्का देकर, 8वां पॉइंट झुंझुनू के झोले में, 8-22 का स्कोर, 8-22 यानी 14 अंक पीछे भी भूमिका, फिर से रिया भूमिका गुंजन, इनसे काफी अपेक्षा थी लेकिन यहाँ बाहर जाना होगा, जी हाँ धक्का देकर बाहर धकेला। तिजारा लगातार मजबूत होता हुआ, जबरदस्त पकड़, गजब का डिफेंस, शानदार रेडर, जबकि झुंझुनू गलतियों से सीखना चाहिए, फिर से कमजोर पकड़ और लक्ष्य तक पहुंचती 12 नंबर की स्टार रेडर। वंस अगेन रिया डबल थाई होल्ड का शिकार, ये ताकत है देखिए डिफेंस में इस वक्त, तिजारा की जितनी भी तारीफ करें उतना कम। दूसरा टाइम आउट लिया इस समय अभिषेक जी पूनिया जो कि टीम के कोच, गुरु मंत्र जरूर लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला है झुंझुनू को अब तक, गहरी मंत्रणा इस वक्त, देखते हैं कितना वापसी करता इस हिसाब से झुंझुनू। टाइम आउट के बाद खेल पुनः शुरू होता हुआ, 4 के डिफेंस में इस वक्त झुंझुनू और यहां लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे आसानी से, फिर से एक और पॉइंट तिजारा की झोली में, धक्का दिया है बाहर जाना होगा, 2 बार पहले ऑल आउट कर चुका है, अब तीसरी बार तैयारी करता खेल तलती जा रहा झुंझुनू को। फर्स्ट हाफ का खेल, झुंझुनू बेहद दबाव में, 2 का डिफेंस बहुत मुश्किल घड़ी, एक साथ
अपने आप को बराबर में करना खतरा मोल लेने जैसा होगा। आगे पीछे टच पॉइंट आसानी से यहाँ मिल जाएगा। अब अंतिम खिलाड़ी इस वक्त जूनियर की ओर से कैच करते हैं तो फिर ये एक बार फिर ऑल आउट देखने को मिलेगा। थाई होल्ड देखे कितना जबरदस्त है। थर्ड टाइम ऑल आउट जूनियर खेलतल तिजारा के सामने। ऑल आउट के साथ ही 31 पे पहुंचता हुआ खेलतल तिजारा, जबकि 8 पे है झुंझुनू, जीत की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ 32 पे अब, हालांकि फर्स्ट हाफ का खेल 32-8 देखे 24 अंक की विशाल बढ़त। फर्स्ट हाफ का खेल झुंझुनू नाजुक स्थिति में, 6 नंबर में भूमिका इस समय ज्यादा अपेक्षा के अनुसार भूमिका अदा नहीं कर पाई, यही वजह कि झुंझुनू इस समय बैकफुट पे। खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। खेलतल तिजारा की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। 7 के डिफेंस में इस वक्त झुंझुनू बोनस फिर से अर्जित करते हुए, और पिछले रेड पे भी ऐसे ही बोनस अर्जित किया था। इधर से भी 6 नंबर, जब भूमिका 6 नंबर से चली तो तिजारा भी उसी नंबर से आगे बढ़ रहा। रिया 5 नंबर में, काफी अपेक्षा है रिया से। 7 का सॉलिड डिफेंस है और जबरदस्त डिफेंस यहाँ, लेकिन 1-2 पॉइंट देखते हैं। सिंगल पॉइंट झुंझुनू की झोली में, 9 पे पहुंचता हुआ। ग्यारह नंबर में इस वक्त बोनस की बेहतरीन कोशिश से शायद सफल होंगे, देखते हैं। बोनस स्कोर में वर्दी 33-9 या कहें कि 24 अंक की बढ़त अभी भी कायम। और यहां फिर वही कहानी, एंगल होल्ड मगर डबल थाई होल्ड के साथ ढेर करता झुंझुनू को खेलतल तिजारा। बालिका वर्ग में आप देख रहे हैं इस वक्त 14 वर्षीय छात्रा वर्ग का ये राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट। आज चौथा दिन रायसिंह नगर अनूपगढ़ की तरणताल से एक से बढ़कर एक मुकाबले। कॉर्नर पे भूमिका, जबकि दूसरे साइड कॉर्नर है उस पर गुंजन धक्का दिया बड़ी देर से, 1 पॉइंट मिला है। अच्छा पुश, झुंझुनू गोज टू इन डबल फिगर। इसके साथ ही हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है खेलतल तिजारा 34 जबकि झुंझुनू 10। ऐसे में 24 अंक की बढ़त है तिजारा के पास, तो ये महसूस किया जा सकता है कि झुंझुनू की वापसी यहाँ बेहद कठिन है। संभवतया तिजारा जीत की मंजिल तक पहुँच जाएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट मैच की ओर ले चलते हैं। शुक्रिया।